तपिश इतने की बर्दाश्त थे बाहर और हौसले की उड़ान इतने की आसमानों से बाहर। रेवाड़ी का तापमान 46 डिग्री से पार हो चला है। इतनी भीषण गर्मी में भूखी प्यासी रहकर मांग कर रही हैं तो सिर्फ अपने सरकारी स्कूल को अपग्रेड करवाने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिले के गाँव गोठड़ा टप्पा की, जहाँ पिछले 5 दिनों से अपने गाँव के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर तपती गर्मी में भूखी प्यासी अनशन पर बैठी इन बेटियों की, जिन्हें शिक्षा से बेहद लगाव है। ये कदम इन्होंने इसलिए उठाया है कि इनके गाँव से 3 किलोमीटर दूर स्कूल में आते जाते वक्त रास्ते में मन चले इनके साथ छेड़छाड़ कर उन पर फब्तियां कसते हैं, जो किसी भी बेटी के लिए अपमान की बात होती है। इसी से परेशान होकर इन बेटियों ने ये कदम उठाया है। 5 दिनों के बाद अब गर्मी और भूख इनकी हिम्मत को तोड़ने लगी है और देर रात इनमें से 3 बेटियों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च कर का वाह वाही लुटने वाली खट्टर सरकार की कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी, या फिर इन बेटियों को पीड़ा के सागर से और कितना जूझना होगा। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।